Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number 8 of exercise 9A. That is profit and loss. Question number 8 is, if the selling price of 16 water bottles, is equal to the cost price of 17 water bottles, right friends? अब हमें cost price 17 की नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? Let the cost price of one water bottle equals to 1 rupee, right friends? तो cost price of 17 water bottle कितनी हो जाएगी? 17 rupees, right friends? अब देखिए, सेलिंग प्राइस 16 बॉटल्स का कितना हो गया, 16 वाटर बॉटल्स का कितना हो गया, जितना की कॉस्ट प्राइस 17 बॉटल्स का था, दैट इज 17 रुपीस, राइट फ्रेंड्स? तो 1 का एसपी कितना हो गया, एसपी ऑफ 1 वाटर बॉटल कितना आ गया, 17 डिवाइडेड बाय 16, राइट फ्रेंड्स? तो ये क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब जब एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है, तो क्या होता है हमारा, दैट इज गेन। गेन कितना हो गया, गेन इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, दैट मीन्स 17 अपॉन 16, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या वैल्यू भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके, 17 अपॉन 16 माइनस 1 रुपी, तो ये कितना आ गया, 16 एलसीएम लिया, 17 माइनस 16 दैट इज 1 अपॉन 16 आ गया गेन। अब हम गेन परसेंटेज का फॉर्मूला निकालेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द गेन परसेंट अर्नड बाय द डीलर। गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन अपॉन सी पी इंटू 100, राइट फ्रेंड्स? तो गेन कितना आया हमारा, 1 अपॉन 16, सी पी कितना था, 1 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 16 इंटू 100। तो अब 2 8 16, 2 5 are 10 and 0, 2 4 are 8, 25, तो ये कितना आ गया, 25 upon 4, और वी कैन से दैट 6 whole 1 upon 4, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट 6 whole 1 upon 4% इज द आंसर, राइट फ्रेंड्स? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 10A, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 9th इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, ओके फ्रेंड्स? तो अब हमें कैंडल्स का नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, एसपी नहीं दे रखा, तो लेट एस पी ऑफ 1 कैंडल इक्वल्स टू 1 रुपी, तो एस पी ऑफ 15 कैंडल्स कितनी हो गई, ₹15। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 12 कैंडल्स की, जो एस पी थी 15 कैंडल्स की, दैट मीन्स ₹15। तो 1 की कॉस्ट प्राइस क्या हुई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल इक्वल्स टू 15 अपॉन 12, ये कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब हमारा सी पी ज़्यादा है, सी पी के केस में हमारा क्या होता था, लॉस, लॉस इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी, तो कितना आया सी पी, 15 अपॉन 12 माइनस 1, एल सी एम लिया, तो ये कितना आ गया 12, 15 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 3 अपॉन 12, और वी कैन से दैट 1 अपॉन 4, राइट फ्रेंड्स? अब लॉस परसेंटेज निकालनी है हमें, लेट्स सी लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लॉस अपॉन सी पी इन 200। तो लॉस कितना है हमारा, 1 अपॉन 4, सी पी कितना है हमारा, 15 अपॉन 12, राइट फ्रेंड्स, इन 200, राइट? अब फ्रेंड्स, जब भी हमारी कोई भी इक्वेशन ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी,
राइट फ्रेंड्स. तो यहाँ पे ए ये हो गया, बी सी एंड डी. तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/4 इंटू 12/15 इंटू 100, राइट फ्रेंड्स. तो अब देखिए, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0. That means 20% is the loss percentage answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.